एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं कि हाँ नेफाटिमा को, नेफाटिमा उसी ड्रैगन के सामने खड़ी होती है और सभी से कह रही है इस ड्रैगन को मत मारो, लेकिन पीछे से ड्रैगन कह रहा है ये बच्चों की जगह नहीं है। मतलब कि हाँ वो ड्रैगन नेफाटिमा से बात कर सकता है। और ये सुनने के बाद नेफाटिमा यहाँ पर यही सोचती है कि शायद मैं उस ड्रैगन के साथ बातें करके उसे अपना दोस्त बना सकता हूँ, और इसलिए ड्रैगन को कहती है कि आप इन लोगों को मत मारिए। लेकिन ड्रैगन यहाँ पर कहता है इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर बुलाया है, ये मेरा अपमान करने की जैसी बात हो गई, इसलिए मैं उन लोगों को मारना चाहता हूँ। देखो भाई लोग, नेफाटिमा यहाँ पर है ही प्यारी, तो फिर इसलिए वो उस ड्रैगन को कह देती है कि मैं तुम्हें थपथपाना चाहता हूँ। और ये सुनते हुए ड्रैगन उसके सामने आ जाता है, कहता है कि तुम क्या मुझे सच में छूना चाहते हो, और नेफाटिमा कह देती कि हाँ। ड्रैगन यहाँ पर सोच के हैरान कि इस बच्चे को उसे डर नहीं लगता, इसलिए वो ड्रैगन नेफाटिमा के पास चला जाता है। और यहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं सभी को लगता है कि वो ड्रैगन उसके पास हमला करने वाला है, लेकिन प्रिंस बीच में आके उन लोगों को रोक देता है। और देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर नेफाटिमा उस ड्रैगन को छू रही है, और सभी ये देख के एकदम ही हैरान है, और ड्रैगन भी देखे ये हैरान है। और बीच में ड्रैगन कह रहा है अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो फिर मुझे ज़रूर बुलाना, क्योंकि आज से तुम मेरे मास्टर हो। और फिर देख सकते हैं कि हाँ ड्रैगन ने उसे कुछ दिया है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिससे वो ड्रैगन के साथ बातें कर सकता है, इसको हर वक्त अपने साथ रखना, अगर तुम चाहो तो फिर इसे तुम चेंज भी कर सकते हो। और ये सुनते देख सकते हैं कि हाँ नेफाटिमा यहाँ पर उसी बॉल को एक टेडी बेयर में बदल देती है, और यहाँ पर ड्रैगन ने जो बॉल दिया था उसी बॉल के माध्यम से नेफाटिमा यहाँ पर ड्रैगन की ताकत को यूज़ कर सकती है। जब भी वो किसी मुसीबत में पड़े तब वो उस ताकत को इस्तेमाल कर सकती है। और बाद में नेफाटिमा ड्रैगन से कहती है आपका नाम क्या है, ड्रैगन यहाँ पर कहता है तुम मुझे शोल कह के पुकार सकते हो। और यहाँ पर सभी ये देख के हैरान है कि नेफाटिमा उसी ड्रैगन के बातें कर रही है, और उसी वक्त वो ड्रैगन चला जाता है, और सभी ये देख के हैरान कि उसने क्या कह दिया, इसलिए सभी उसके साथ मतलब हाँ तुम लोग देख सकते हो प्रिंस यहाँ पर क्या कर रहा है। और प्रिंस ये सब कुछ देखते हुए समझ लेती है कि हाँ अब किसी तरह से नेफाटिमा को सेफ रखना होगा, क्योंकि सभी को ये पता है कि नेफाटिमा जब चाहे तब वो उस ड्रैगन को पुकार सकता है इसीलिए। और बाद में देख सकते हैं कि हाँ वो सब लोग आए मतलब किंग के राजमहल के अंदर, और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। राजा यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों को इस तरह से बुलाने के लिए मुझे खेद है, लेकिन राजा यहाँ पर उसी फायर ड्रैगन के बारे में बातें करना चाहेगा। सिंपल भाषा में बातें यही होती है कि उन सभी के सामने ड्रैगन ने कहा था कि तुम मेरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो, और राजा भी यहाँ पर उसी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर नेफाटिमा के फादर राजा से कह रहा है कि हाँ ये बात सही है कि अगर वो चाहे तो इस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अब तक उसे पवित्र जानवर का आशीर्वाद नहीं मिला। और ये सुनकर नेफाटिमा यहाँ पर सोचने पड़ चुका अब ये क्या है। और राजा का कहना यही है कि अगर नेफाटिमा उस ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए मतलब इस किंगडम को धमकी दे तो, और नेफाटिमा के फादर यहाँ पर शपथ लेते कि हाँ मैं अपने शपथ लेता हूँ कि नेफाटिमा कभी भी ये काम नहीं करेगी, और अगर ये शपथ टूट गया तो फिर उसके फादर को मारना होगा। और ये सुनते ही राजा यहाँ पर राजी हो जाते, लेकिन उसी के बीच एक ओल्ड मैन मुझे समझाने की अनुमति दे, और ये ओल्ड मैन जादू के बारे में बहुत कुछ जानता है। और यहाँ पर ओल्ड मैन यही कहने की कोशिश कर रही कि वो जो लड़ाई चल रही थी उस लड़ाई के चलते जो जादू का इस्तेमाल किया गया था उसी जादू से कभी भी कोई इतना ताकतवर मॉन्स्टर या कहो ये ड्रैगन नहीं आ सकता था, और अगर आ भी गया तो भी इसका यही मतलब है कि हाँ ये गॉड का इच्छा था कि इस ड्रैगन को इस जगह पर लेके आए। और सभी ये सुनते एकदम ही हैरान हो जाते हैं, और नेफाटिमा ये सुनते एकदम ही कह रहा है कि ये फिर से आ गया। लेकिन उसी के बीच एक और लड़का कहना शुरू कर देता कि ये गॉड का इच्छा है कि हम लोग जैसे रहे वैसे रहे, मतलब कि हाँ जो पवित्र जानवर है और जो पवित्र जानवर है वो लोग भी चाहते कि हम उनके ऊपर मतलब शासन करें। और नेफाटिमा यही सुनते हुए सोचने पड़ जाता कि गॉड ने मुझे इसी के बारे में कहा गया था, मतलब गॉड ने ये कहा था कि इंसानों ने किसी और जानवर के ऊपर हमला कर रहे हैं मतलब अत्याचार कर रहा है। और नेफाटिमा को यहाँ पर यही लगता है कि हाँ यही वो लड़का हो सकता है, इसीलिए खुद से नेफाटिमा यहाँ पर सोचता है कि अब मुझे इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं गलत हो गया तो मैं मारा जाऊँगा। और फिर से देख सकते हैं कि हाँ प्रिंस यहाँ पर नेफाटिमा से मजाक कर रहा है, हाँ यहाँ पर नेफाटिमा गुस्से में है क्योंकि वो प्रिंस है और वो कुछ नहीं कर सकती है।
प्रिंस यहाँ पर कह रहा है कि अगर तुम बोर हो रहे हो तो फिर तुम लास के साथ तुम खेल सकते हो। हाँ, यहाँ पर निफा टीम एकदम खुश हो जाती है और देख सकते हो लास यहाँ पर आ चुका है और प्रिंस यहाँ पर लास को कुछ कह रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी को मतलब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लास को यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया और लास यहाँ पर निफा टीम को लेकर चला जाता है। और बाद में देख सकते हैं कि हाँ निफा टीम यहाँ पर लास को कुछ खिला रहा होता है और सभी ये देख के एकदम ही हैरान है। हाँ भाई, यहाँ पर निफा टीम बहुत मज़े करती है उसके साथ और उसी के ऊपर सो जाती है, लेकिन उसके पीछे जो जितने भी लोग होते हैं सभी कुछ बातें कर रहे होते हैं, यही कि मतलब सिंपल भाषा में यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बस यही सोच रहे हैं कि उस ड्रैगन को किस तरह से अपने कब्जे में ले ले, मतलब कि हाँ उससे वो काम कराएगा, मतलब वो किसी भी जंग में जीत सकता है, सब कुछ कर सकता है वो ड्रैगन। और ये सब कुछ सुनते ही निफा टीम के फादर अब सोच ही पड़ चुका है कि अब वो इस तरह से मतलब कैसे निकलेगा। और उसी वक्त एक लड़की आती है और लड़की यहाँ पर कह रही है कि क्या उसका जो ताकत है उसके ऊपर शारीरिक असर नहीं हुआ है, उभर के नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर सभी देख सकते हैं कि हाँ वो लड़की मतलब निफा टीम एक ड्रैगन के साथ बात कर रही थी और अब स्काई टाइगर के साथ बातें कर रही है, मतलब वो सो रहा है उसके साथ, मतलब पर सिंपल भाषा में यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और निफा टीम के फादर से बस यही कहते हैं कि निफा टीम को और भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ पर निफा टीम के फादर बिल्कुल भी इस सब चीज़ से राजी नहीं होता है। लेकिन उसी के बीच में लार्स यहाँ पर जाग जाता है और उसे पता चल जाता है कौन सबसे ज़्यादा हरामी है। देखो भाई लोग, मुझे पहले से पता था कि ये लड़का मेन हरामी है, इसलिए माई लार्स को भी पता चल गया कि हाँ यही वो मेन विलेन है। और उन सभी के बीच बहुत सारी बातें होती है और बाद में देख सकते हैं यहाँ पर शाम हो चुकी है और हाँ निफा टीम पर जाग चुकी है। और बाद में देखते हैं निफा टीम के फादर और मदर आए हैं और कह रहे हैं कि मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, तो इसी और यहाँ पर निफा टीम एकदम ही सेफ है क्योंकि निफा टीम के ऊपर क्यों कुछ भी नहीं कहेगा या फिर कुछ मतलब परेशान वाली बात नहीं है, क्योंकि निफा टीम के जो ताकत है वो एक परमात्मा के ताकत है, मतलब एक गॉड लेवल का ताकत है। और यहाँ पर निफा टीम को परमिशन मिल जाता है कि अब वो महल के किसी भी जगह पर वो जा पाएगी। और बाद में देख सकते हैं प्रिंस यहाँ पर निफा टीम को कह रही है कि इस जगह पर बहुत सारे एनिमल है, तुम देखना पसंद करोगे, और देख सकते कि हाँ वो दोनों एक ही रूम के अंदर है और एक लड़का आता है, लेकिन लड़का देखने में खूबसूरत है। निफा टीम लड़के को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन लड़का यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब खुश नहीं है, मतलब डराने की कोशिश करती है लेकिन निफा टीम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरती है। और इस लड़के का नाम है ग्विन। हाँ, महल के अंदर अगर कुछ भी हो जाए तो फिर निफा टीम ग्विन के ऊपर भरोसा कर सकती है। और बाद में प्रिंस उसे कह देता है कि निफा टीम ने ड्रैगन के साथ बात की है और ये सुनते ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और फिर देखते हैं वो निफा टीम को लेकर किसी जगह पर जा रहा है और बाद में देख सकता है कि हाँ उन लोगों के सामने एक लड़का है और ये लड़का कोई और नहीं है, ड्रैगन किंगडम का मतलब ड्रैगन का किंग नाइट है। और देखने में ऐसा लग रहा है इन दोनों से मतलब बनते नहीं है, मतलब ये दोनों अच्छे दोस्त नहीं हैं। हाँ, यहाँ पर कपड़े के भी मतलब, और यहाँ पर हमें सुनाया जाता है कि वो दोनों एक ही क्लास के अंदर थे और तब से उन दोनों के बीच ये झगड़ा चल रहा है। और जो लड़का है हाँ वो ड्रैगन के साथ खेलता है, मतलब वो उसका काम है, मतलब सिंपल भाषा में इस लड़के को ड्रैगन के बारे में बहुत कुछ पता है। उसी के बीच में निफा टीम उस लड़के को कहता है कि मुझे ड्रैगन देखना है। और बाद में देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन होते हैं और देखने में डायनासोर जैसा भी लग रहा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क बस इससे पड़ता है निफा टीम यहाँ पर बहुत ही खुश है। और यहाँ पर उस लड़के को देख के यहाँ निफा टीम समझ गई है कि उस लड़के को ड्रैगन बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर निफा टीम यही सोच रहा है कि वो थपथपाएगी ड्रैगन को, लेकिन वो कह नहीं पा रही है और ये इसीलिए वो खुद से ही सोचता है। और उसी वक्त वो जो ड्रैगन का जो जादू था वो जादू एक्टिव हो जाता है, जिसके चलते एक ड्रैगन, एक नहीं सभी ड्रैगन को पता चल जाता है कि हाँ वो सबको बुला रहा है, इसीलिए सभी की आंखों के सामने सभी ड्रैगन उसके पास आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सभी डर जाते हैं क्योंकि सभी ड्रैगन एक साथ आ रहे हैं इसलिए। और उसी वक्त एक उड़ता हुआ ड्रैगन निफा टीम के सामने आ जाता है, निफा टीम उसे देखते हुए उसके पास जाती है, उसे थपथपाना शुरू कर देता है। और बाद में देख सकते हैं कि हाँ वो दोनों ये देख के एकदम ही हैरान है और देख सकते हो कि हाँ वो निफा टीम उस ड्रैगन के ऊपर मतलब बैठ चुकी है और मज़े से उड़ रहा है। और वो ड्रैगन निफा टीम से बात यही कर रहा है कि उस सभी ड्रैगन को लगा कि उसके अंदर फायर ड्रैगन की ताकत है, मतलब कि हाँ वो उसके पास है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो बॉल था मतलब फायर ड्रैगन ने दिया था, इसीलिए वो सब बातें कर सकते हैं एक साथ। और बाद में निफा टीम उन लोगों के साथ बहुत मज़े करती है
हाँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहा है नेफाटिमा। हाँ यहाँ पर नेफाटिमा बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहा है हर एक ड्रैगन के साथ। और ये सब कुछ देखते हुए ये दोनों एकदम ही वही बातें कर रहे हैं इसी के बारे में। मतलब यहाँ पर उस लड़के की हालत ख़राब हो चुकी है, ये सोचते हुए कि वो ड्रैगन उसके आस पास है लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा। और बाद में उन दोनों बीच बातें यही होती कि तुमने फायर ड्रैगन को देखा है। हाँ यहाँ पर उस लड़के को सब कुछ पता है कि एक लड़की थी जिसके साथ मतलब समझौता हुआ था उस फायर ड्रैगन के साथ। और यहाँ पर उसे समझ में आ गया कि हाँ ये कोई और लड़की नहीं है, हाँ ये नेफाटिमा है। और उसी के बीच ग्विन कहता है कि नेफाटिमा को अब फायर ड्रैगन का मास्टर कहा जाता है। और ये बात किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि फायर ड्रैगन का मास्टर कोई और नहीं, छोटी बच्ची है, मतलब हाँ नेफाटिमा है। और उसी के बीच देख सकते हैं कि हाँ नेफाटिमा यहाँ पर अपनी पूरी टीम को लेकर आ रही है। और ये देखते हुए वो दोनों एकदम ही हैरान हो चुकी है। मतलब यहाँ पर वो दोनों देखते एकदम ही हैरान कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है।